आज है दिसंबर की 19 तारीख। जैसे जैसे ठंड बढ़ रहे हैं, बोगनविलिया के प्लांट में फूलों की संख्या भी उतने मात्रा में आ रहे हैं। थोड़े से अफेक्ट दिख रहे हैं, इसके पत्ते पीले हो रहे हैं ज़्यादा ठंड के वजह से, लेकिन फूल में कोई भी कमी नहीं देखी जा रही है। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक पर। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बोगनविलिया प्लांट के बारे में कि विंटर में भी आप अच्छी मात्रा में बोगनविलिया प्लांट से किस प्रकार से फ्लावरिंग ले सकते हैं, कौन सा टिप्स जो आप सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है जिससे आपके प्लांट में बिल्कुल इसी तरह से भर भर के फ्लावरिंग करेंगे। सबसे पहले बता दूं फ्रेंड्स, बोगनविलिया प्लांट में एक वेस्ट समर फ्लावरिंग प्लांटों में गिने जाते हैं, यानी कि ज़्यादा सनलाइट कम पानी पसंद करने वाले प्लांटों में गिने जाते हैं और इसमें आपको बहुत सारे वैरायटी नज़र आएंगे। ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं, गुच्छे के गुच्छे, आप जहाँ पर भी देख रहे हैं, जहाँ पर भी इसके ब्रांच हैं वहाँ पर आपको गुच्छे के गुच्छे फ्लावर नज़र आ रहे हैं, यानी कि इस तरह के फ्लावर आपको सभी ब्रांच पर देखे जा रहे हैं। थोड़े से मैं आपको दूर से भी दिखा दूं, ये देखिए, जिसे मैं एक 10 लीटर के तेल वाले डब्बे में, प्लास्टिक वाले डब्बे में लगा रखी हूँ। इस वैरायटी का नाम है टॉर्च बोगनविलिया। टॉर्च इसलिए कहा जाता है कि आगे से आप देखिए, पीछे से ये फ्लावरिंग नहीं करते हैं, बिल्कुल आगे से ये फ्लावरिंग गुच्छों की तरह करते हैं। इसी कारण से लोग इसे टॉर्च बोगनविलिया शायद नाम दिए होंगे। और ये बोगनविलिया के प्लांट जो देख रहे हैं, करीब 3 साल पुराने प्लांट हैं और इस पर मैं नोटिस की हूँ, जहाँ तक इस पर सालों भर फ्लावरिंग देखे जाते हैं, चाहे रेनी सीजन हो, चाहे विंटर हो, चाहे समर हो, तीनों सीजन में ये भर भर के फ्लावरिंग करते हैं। और अभी आप दिसंबर की 19 तारीख है आज, और अभी भी आप देख सकते हैं इसमें कितने मात्रा में फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो क्या राज है? तो ज़्यादा कुछ केयर मैं नहीं कर रही हूँ, जो काम मैं कर रही हूँ वही टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ये देखिए, जहाँ पर भी ये बोगनविलिया के प्लांट लग रहे हैं, इस पर मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, यानी कि विंटर में चाहे समर हो, चाहे रेनी सीजन, चाहे विंटर, एक ही जगह मेरे प्लांट लगे रहते हैं उस साइड में। अभी मैं यहाँ पर लाई हूँ वीडियो बनाने के लिए, और पूरे इधर पूर्व साइड है और इधर है पश्चिम और इधर है दक्षिण, तो यानी कि इस पर पूरे दिन भर इसे फुल सनलाइट मिलती है, जिसके कारण इसमें अच्छे फ्लावरिंग देखे जा रहे हैं। और दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण है, अभी विंटर सीजन चल रहे हैं तो इसमें मैं पानी बहुत कम डालती हूँ। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, आपको इसकी मिट्टी मैं कोड़ रही हूँ, हाथ से तो बिल्कुल भी गुड़ाई नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत ही शुष्क है, यानी कि मैं विंटर में भी कम पानी यूज कर रही हूँ। जैसे कि देख सकते हैं, पूरे मिट्टी इसकी आपको सूखी नज़र आ रही है। और फर्टिलाइज़र के तौर पर आप देखिए, इसके सूखे पत्ते ही अपने आप ही ये फर्टिलाइज़र इसमें मिल पा रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे इसके पत्ते सूखते हैं, इसके गमलों में गिरते रहते हैं। ये देखिए, यानी कि फर्टिलाइज़र की भी इस प्लांट को कोई कमी नहीं है, यानी कि लीफ कंपोस्ट इस प्लांट को हमेशा मिलते रहते हैं। तो इसमें मैं वाटरिंग कम करती हूँ, जिसके कारण से ये प्लांट अच्छी फ्लावरिंग दे पा रहे हैं, क्योंकि बोगनविलिया थोड़े से कम वाटरिंग को पसंद करते हैं। और तीसरा कारण है, इसमें कभी कभी मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे सभी प्लांटों में यूज करती हूँ, इसमें भी थोड़े थोड़े मैं डाल देती हूँ। और इसकी प्रूनिंग,
यानी कि जैसे ही अक्टूबर मंथ शुरुआत हुए, इसकी अच्छी मैं प्रूनिंग कर दी थी, ऊपर से थोड़े से ट्रिम कर दी थी सभी ब्रांचों पर, जिसके कारण इसकी अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। और इस तरह के ये देखिए, कभी कभी इसके ब्रांच टूटते रहते हैं, तो इन ब्रांचों को मैं समय समय पर हटाते रहती हूँ और बस इस ब्रांचों को मैं इसमें ही डाल देती हूँ। ये अपने आप ही डीकम्पोस्ट हो जाते हैं, यानी कि इसमें फर्टिलाइज़र की भी कोई कमी नहीं है, जिसके कारण ये अच्छी फ्लावरिंग हो रहे हैं। यानी कि विंटर में आप अगर आप तीन बातों का ध्यान दें तो आप विंटर में भी अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। पहला है, इस प्लांट को जहाँ भी रखें फुल सनलाइट मिलनी चाहिए, यानी कि 12 घंटे की सनलाइट अगर इस प्लांट को दे रहे हैं तो आपको विंटर में भी भर भर के फ्लावरिंग देंगे। और दूसरा काम आपको करनी है कि इसमें आप कभी कभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, या फिर लीफ कंपोस्ट या फिर काऊ मैन्यूर भी इसमें डाले जा सकते हैं। और तीसरा काम है, इसमें आपको विंटर में भी कम वाटरिंग करनी है, यानी कि इसकी मिट्टी जब पूरी तरह से शुष्क हो जाए तब आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तीन ज़रूरी काम जो आप अगर आप बोगनविलिया के प्लांट लगा रखे हैं और तीन ज़रूरी काम बोगनविलिया के प्लांट पर विंटर में भी करते रहें तो आपको अच्छी फ्लावरिंग देखे जा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।